राजसमंद से एक चोरी का मामला सामने आया जिसमें चोर कस्टमर बनकर आए और लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। राजस्थान के राजसमंद में एक ज्वेलरी शॉप पर लूट का मामला सामने आया जहां बाइक पर तीन बदमाश कस्टमर बनकर आए और ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लुटेरे तिजोरी और दुकान में रखी करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की ज्वेलरी ले गए। दरअसल जलचक्की रोड पर संजय सोनी की रूपम गोल्ड नाम से एक ज्वेलरी की दुकान है। सुबह करीब 10 बजे संजय के बेटे आर्यन सोनी ने दुकान खोली थी। कुछ देर बाद ही एक युवक आया और ज्वेलरी दिखाने को कहा। सारी ज्वेलरी तिजोरी में रखी थी। दुकानदार ने कुछ देर रुकने को कहा। आर्यन जैसे ही तिजोरी खोलकर ज्वेलरी दिखाने लगा, उस युवक ने बाहर खड़े अपने दो साथियों को इशारा कर अंदर बुला लिया। दुकानदार कुछ समझ पाता इससे पहले ही दो बदमाशों ने आर्यन और कर्मचारी मदन पर पिस्तौल तान दी और एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद दुकान में रखी सारी ज्वेलरी समेत सोने चांदी का सामान बैग में भरकर बाइक से फरार हो गए। व्यापारी चिल्लाते हुए बाहर आया तो आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद आर्यन रोने लगा और पूरी घटना बताई। सूचना मिलने के बाद एसपी सुधीर जोशी और एएसपी शिवलाल बैरवा मौके पर पहुंचे। शहर में नाकाबंदी की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक पर हेलमेट पहनकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ में जेवरात से भरा बैग है। इधर वारदात के आसपास के व्यापारी भी अपनी दुकान से बाहर आ गए और घटना को लेकर आक्रोश जताया। बदमाश दुकान से 1.5 किलो सोना 20 लाख रुपए ले गए। ये पूरी घटना दुकान में लगे हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।